की मीटिंग पता नहीं कैसे होगी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप देखकर नहीं चल सकते क्या? अभी दिव्या तू पहचाना मैंने? हाँ 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 पहचाना ना, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। बेबी इससे मिलो, ये दिव्या है। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे, ये हमारी क्लास की टॉपर हुआ करती थी। पर तू यहाँ क्या कर रही है? अरे यार मैं तो बस यहाँ पे। अच्छा तू पंचर वाली बन गई? तू तो क्लास की टॉपर हुआ करती थी, आज क्या हुआ? कैसे दिन देखने पड़ गए तुझे। अरे नहीं यार ऐसा नहीं है। हाँ हाँ बस बस रहने दे, अब गरीबी और मजबूरी की कहानियाँ सुनाएगी जैसे हर गरीब सुनाते हैं। मैं तो क्लास की टॉपर भी नहीं थी, पर मुझे देख मैं कहाँ खड़ी हूँ और तू कहाँ। अरे बेबी जाने दो ना, वैसे भी हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। तुझे पता है आज हमें शहर की सबसे बड़ी कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं, लाखों की डील। तूने इतने पैसे एक साथ देखे हैं कभी? देखे तो क्या, सुने भी नहीं होंगे। वैसे DS इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है और आज हम उनके साथ डील करके हम भी बड़े लोग हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और हाँ वैसे तुझे अगर काम चाहिए होगा ना तो तू मुझे बता सकती है, हमारे ऑफिस में ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे चाय बनाना, टॉयलेट साफ करना, ऑफिस के झाड़ू पोछे। एक मिनट हाँ, ये लो मेरा कार्ड, कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती है। अरे मेम साहब ये क्या, आप फिर से खुद ही टायर खोलने लग गई? हाँ मेम साहब, भैया आप इसे मेम साहब क्यों बुला रहे हैं? अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो, मेम साहब को मेम साहब नहीं बुलाएंगे तो और किसको बुलाएंगे? यही तो है हमारी मालकिन दिव्या सिंघानिया मैडम, DS इंडस्ट्रीज की मालकिन, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, CEO। क्या मतलब तू पंचर वाली नहीं है? अरे ये तो मैडम की ना बहुत पुरानी आदत है, कभी भी गाड़ी में कुछ भी होता है ना, जब तक हम मैकेनिक को ढूंढने जाते हैं मैम अपने आप ही गाड़ी खोल देती है। दिव्या मैम प्लीज हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। सॉरी मैम प्लीज माफ कर दो, हमने अनजाने में पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। अनजाने में कोई इतना कुछ कैसे बोल सकता है? इतना घमंड लेकर तुम जाओगी कहाँ नेहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तुमने देखा कि तुम्हारी क्लास की दोस्त यहाँ पर पंचर ठीक कर रही है तो तुमने एक मौका नहीं छोड़ा उसे नीचा दिखाने में। तुम्हें पता है स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है? ताकि वो एक समान रहे, एक स्टैंडर्ड पर, ना कोई किसी से ऊपर ना कोई नीचे। मैं स्कूल में टॉपर थी क्योंकि उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करी थी। मैं बाकी बच्चों की तरह खेलने में या इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट नहीं करती थी। आज तुम्हें एक मौका मिला कि कैसे अपने स्कूल की टॉपर को मैं नीचा दिखाऊं, तो तुमने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। दिव्या हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे हमारे डील पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डील? मैं कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती, मैं इंसान में इन्वेस्ट करती हूँ, और तुम तो इंसान ही अच्छे नहीं हो तो तुम पर मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ? तुम जैसे लोगों के साथ नाम जोड़कर मैं अपनी कंपनी का नाम बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि अपने से लोअर लेवल लोगों को तो तुम कुछ समझते ही नहीं हो। दिव्या प्लीज़ ऐसा मत करो, हमने मार्केट से बहुत सारा पैसा उधार लिया हुआ है, हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना जो एटीट्यूड है ना वो सुधार लो। चलो ड्राइवर। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, और जल्दी से कमेंट करके बताइए इस वीडियो का सही मॉरल। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को आपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी भेजिए ताकि हम लोग उस पर वीडियो बना सकें। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।